वन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, एडवाइस टू यू, मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो एडवाइस है ना ऐसे ही नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना बोरिंग चीजों पे कभी ध्यान नहीं देता, उसको तो चाहिए तड़कता भड़कता कुछ स्पाइसी चीज, और स्टोरीज होती है ना वो दिमाग याद रख सकता है। इसीलिए तो बचपन में सुनी हुई स्टोरी आज भी आपके दिमाग में ताजा है। आपको याद है ना? बिल्कुल याद है, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। तो ये कहानी है मोहित की। मोहित एक मिडिल क्लास लड़का है जो कि महीने का 40,000 रुपया कमाता है। एक दिन उसने विक्रम वेदा नाम का फिल्म का ट्रेलर देखा, उसको ट्रेलर एक्साइटिंग लगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसी वक्त टिकट बुक कर दिया और दूसरे दिन जाके मूवी देख लिया। जब वो फिल्म देख रहा था ना तो उसके 20 मिनट में उसके पता चल गया ये फिल्म नहीं डब्बा है, डब्बा। उसके अंदर से आवाज आया कि चलो फिल्म छोड़ के चल जाते, लेकिन उसने उस आवाज को दबा के अपने मन से कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैसा इन्वेस्ट किया हूं तो मैं पूरा फिल्म देख के जाऊंगा। और कहानी यहीं खत्म। यहाँ आपने एक बात नोटिस किया, ये जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है ना वो अपने टाइम का कभी वैल्यू नहीं करते, वो 1% भी अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते, और मिडिल क्लास पैदा होते और मिडिल क्लास मर जाते। आप मोहित से बातचीत करते तो उनको क्या, उसको क्या एडवाइस देते, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं उस मोहित को कहता, देख तू महीने का 40,000, एक हफ्ते का 10,000, एक दिन का 1,333 रुपया और एक घंटे का 55 रुपया कमाता है, और तूने 300 रुपया एक डब्बे फिल्म में इन्वेस्ट किया, तो वो 300 तो गए, उसके बाद जो 3 घंटा तूने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, उसमें भी तो 165 रुपया कमा सकता था, मतलब टोटल में 465 रुपया तूने वेस्ट कर दिया। इस कहानी से सीख यही है कि जब भी हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो हर घंटे हमको एग्जैक्टली जितना हम कमाते हैं ना घंटे का, उतना पैसा हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं भी मिल रहा है तो उसके बराबर हमको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नेटवर्किंग करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यदि मिल रहा है तो अपने टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, और जब आप टाइम को ऐसे देखना शुरू करेंगे ना, तब क्या होगा, जितने भी जो बेकार चीजें हैं ना, नेगेटिव लोग हैं या फिर सोशल मीडिया, इन सब चीजों को आप साइड करके आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग पर्सन, बस आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे एक घंटे का जो वैल्यू है ना इतना है, और इतना वैल्यू मिलेगा तभी मैं वो काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बस ये छोटी चीज करते ही ना आपका जिंदगी से ये जो मिडिल क्लास माइंडसेट है ना वो हट जाएगा, आप उससे ब्रेक फ्री कर जाएंगे। बस यही छोटी सी चीजें अप्लाई कर लीजिए और अपनी जिंदगी बना लीजिए।